और रफत अब्दुल्ला बड़ी खबर दे रहे हैं। कश्मीर में आतंकियों का एक और वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दक्षिण कश्मीर के जंगलों का है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तीन आतंकी हथियारों के साथ जंगल में घूम रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस वीडियो की जांच कर रही हैं। रिफत, ये वीडियो कब का बताया जा रहा है? देखिए, हम ये जो है अर्पिता, कल ही ये वीडियो सामने आया और बताया जा रहा है कि एचएम कमांडर हम्माद भी इसमें है और एक और मिलिटेंट है एचएम का आकिब नाम से। तो ये कल ही सरफेस हुआ है ये वीडियो और लग रहा है कि रिसेंटली शूट हुआ है। एक से एक के बाद एक इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं मिलिटेंट, और यही समझा जा रहा है कि ये जो हम्माद है, हम्माद बाई के नाम से इसको लोग वहाँ पे पुकारते हैं, और ये सक्रिय है इसी त्राल इलाके में है, और समझा जा रहा है कि त्राल के फॉरेस्ट में ही ये वीडियो शूट हुआ है। और मिलिटेंट अक्सर यही अब कोशिश कर रहे हैं कि वो वीडियो उसके थ्रू जो है ग्लैमराइज करें मिलिटेंसी को, और लगातार इस तरह की कोशिश जारी है और एक के बाद एक वीडियो मिलिटेंटों के सामने आ रहे हैं। प्रणय उपाध्याय बड़ी खबर दे रहे हैं। सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद के मुताबिक, चीन जिस तरह से हिमालय क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, आने वाले समय में वो भारत के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। शरद चंद के मुताबिक, चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ी है और उसकी सेना भी भारत से 2 गुनी है और अपने सेना पर खर्च लगातार वो बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। इतना ही नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल चंद के मुताबिक, भारत की तुलना में पाकिस्तान का मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस ज्यादा बेहतर है और पाकिस्तान ज्यादा हथियार भी आयात करता है। इस हिसाब से भारत को भी बदलाव लाने की जरूरत है। प्रणय, इस तरीके से जो चेताया जा रहा है सरकार को, क्या लगता है कि सरकार क्या अब इस तरफ कोई एक्शन लेगी, क्योंकि लगातार चीन की तरफ से दबाव बढ़ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी तो हो ही रही है। देखिए, ये जो बयान आया है सेना के उप प्रमुख का, ये बहुत ही रियलिस्टिक बयान है। ये एक रियलिस्टिक असेसमेंट का वक्तव्य कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक सच है कि बहुत लंबे समय से भारत का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक बीमारी और एक कमजोरी का शिकार रहा है। बहुत समय तक उसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया और खरीद के ऊपर ज्यादा जोर था, और इसीलिए आप देखें कि भारत शायद दुनिया का पहला और सबसे ऐसा मुल्क है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर हथियारों को खरीदता है, विदेशी आयात करता है। दुनिया की 4वीं सबसे बड़ी फौज भारत के पास है, लेकिन उसका डिफेंस आयात दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा है, और ये स्थिति कहीं और नहीं है। ऐसे इसके मद्देनजर ये बहुत जरूरी है कि इसके पहले की लड़ाइयों का भी जो अनुभव रहा है, चाहे कारगिल हो या 1971 की लड़ाई हो या उससे पहले 1965 की लड़ाई हो, भारत को युद्ध के समय बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हथियारों की खरीद करनी पड़ी थी, और इसी के मद्देनजर अब एक रणनीतिक बदलाव के बारे में सोच आ रही है, और शायद यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है, उसमें डिफेंस के ऊपर जोर इसीलिए है। शुक्रिया प्रणय।